दोस्तों अभी हम लोग चल रहे जैगर फोर्ट और आप देख सकते हैं कि पहाड़ी रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है। थोड़ा सा सावधानी के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात करते करते कैसे सावधानी के साथ आप ड्राइव कर सकते हैं। ज़्यादा तेज चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। गाड़ी को पार्किंग में रखने के बाद अब मैं आ रहा हूँ अभी मेन गेट के सामने। ये फोर्ट का जो मेन गेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग हैं और बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए। यहाँ से हमें टिकट लेने किले के काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और एक इस किले का एक खासियत ये है कि देखिए रास्ता इतना ज़्यादा चौड़ा है कि यहाँ पे गाड़ी आराम से आ जा सकती है, जिसके वजह से क्या है कि गाड़ी के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो उसके लिए टिकट मिल जाता है। अगर आप मेन गेट के अंदर जो मेन गेट है वहाँ पे जो टिकट काउंटर बनी हुई है आपको पहले दिखाया था, उस टिकट काउंटर में पर पर्सन 150 करके लेते हैं। अगर स्कूल के बच्चे हैं तो 75 रुपीज़ ईच, और हर एक गाड़ी के लिए ये लोग 100 रुपये अलग से चार्ज करते हैं। क्योंकि ये जबकि किला बहुत बड़ा है, कहते हैं कि कम से कम जो टोटल एरिया है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया कवर्ड है। और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि मुझे पता है कि 35 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ये पूरी चीज़ नहीं दिखाई जा सकती है। तो फिर जितना बनेगा उतना मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप हमने भी गाड़ी काफ़ी ऊपर तक लेके आ गए। ये हमने अपनी गाड़ी पार्किंग कर दी यहाँ पे, अब इसके बाद आगे ऊपर चलेंगे। आप ये जगह पे आप देख सकते हैं एक तोप रखा हुआ है, काफ़ी फेमस है, कहते हैं कि सबसे बड़ा तोप में से एक है। आप कहते हैं कि एक ही बार इसको इस्तेमाल किया गया था। मैं हैरान हूँ कि इसको इतना ऊपर किले के ऊपर यहाँ तक कैसे लाया गया होगा नीचे से, और देख के इसका इतना विशाल आकार है। आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं, वेलिंग गेट 50 टन टोटल गेट
ये दुनिया का सबसे बड़ा तोप है, कहते हैं कि इसकी जो लंबाई है करीब करीब 31 फीट की है और इसका जो वेट है टोटल 250 टन का है। और ये इतनी ज़्यादा नहीं चली है, बट एक ही या दो बार चलाया गया या टोटल 50 किलो या 100 किलो के आसपास जो यहाँ पे गन पाउडर यूज़ किया गया था चलाते वक्त, और उसके बाद ये इसको ऐसे डिस्प्ले की रखा गया है। अच्छा, यहाँ पे एक सीढ़ी है, चढ़ के देखते हैं कि इसके ऊपर से क्या दिखता है। बाकी ये देखने लायक चीज़ है और मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों रियली देखना चाहिए कि और बहुत सारे किले हैं हमारे भारत में और बहुत टाइप के जो है तोप रखे गए हैं उसका जो यूज़ नहीं किया जा रहा है सिंबलिक तौर पे, बट ये दुनिया का सबसे बड़ा जो तोप है ये रियली देखने लायक है। अभी हम चल रहे किले के दूसरी तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक यहाँ पे शायद नहर टाइप का पहले का बना हुआ होगा। अब देखने में ऊपर से तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बट नीचे जाने का रास्ता नहीं है। बाकी बहुत खूबसूरत बनाया गया है उसको। यहाँ से क्या दिखता है आपको दिखाऊं? काफ़ी दूर चल लिया है।
गेट तो बंद है। कुछ कुछ गेट यहाँ पे बंद है क्योंकि शायद सेफ्टी के रीजन से बंद रखा गया है। आइला देखो ऊपर लोग चढ़ गए वहां पे। देखिए ये टावर पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा क्योंकि मेरे ख्याल से को सेफ्टी के रीजन से इसको अभी लोगों को चढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। बट एक कुछ बंदे जो भी है वो शायद काम के लिए गए होंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो लोग कोशिश कर रहे थे ताकि अंदर चला जाए, काफ़ी रिक्वेस्ट किया, लेकिन मुझे लगता है इनकी रिक्वेस्ट को भी दरकरार है ना कर दिया गया है। तो पूछते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं। भाई आप लोग नाम बता दो, इधर हाय कर दो। हाय, प्रदीप आप नाम बता दो। प्रदीप, जांगिड, अच्छा आप कहाँ से हो? अजमेर से। आज आज आप बताओ। जयराज चौधरी, जयपुर से हूँ। जयपुर से? ये तो पूरा जयपुर ही है, कहाँ से जयपुर में? जयपुर ये ना हमारा विधानसभा, वहाँ से हूँ। अच्छा आप? मैं रजत आचार्य, अजमेर से। अजमेर से, अच्छा सारे पढ़ाई करते हो? हाँ सर। गुड गुड गुड। घूमने के लिए आए। अच्छा तो जाने नहीं दे रहा, राइट? अच्छा तो अभी अभी आप लोग जयपुर में कहाँ घूमे? भी पहली बार यहाँ पे आ रहे हो? पहली बार आए, पर हवा महल देख लिया और जल महल देख लिया, फिर आमेर देख के फिर जयगढ़ आए। अच्छा हम नारगढ़ जाएंगे, वहाँ अच्छा बहुत अच्छा नजारा है। अच्छा नारगढ़ आपने क्या देखा है, क्या लगा? बहुत अच्छा। अब जाएंगे वहाँ। अच्छा आपने जाना है? 5 किलोमीटर दूर भी है। कल जाएंगे। अच्छा 5 किलोमीटर दूर। अभी तो टाइम तो है, तो जा सकते हैं ना यहाँ से? तो टाइम है, पर बंदों का टाइम 6 बजे, बंदों के 3:30 बज चुके हैं अभी। ठीक है, तो सुना भाई लोग ये लोग भी अपना ब्लॉग में बनाते हैं, सो आई होप सो कि यूट्यूब पे ब्लॉग है। ठीक है, चैनल को भी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब मैं चैनल के लिए सब थोड़ा शाउट कर देना। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। एंड मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा आप और मस्ती करें और ज़्यादा जगह घूमें। ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। ये टोटल एरिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक दिन में नहीं घूमा जा सकता है। बट जो मेन पार्ट है इसके, जिसके वजह से लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, वो सारी चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दी। और अभी हम यहाँ से वापस चलेंगे थोड़ी देर में, और उसके बीच में अगर और कुछ देखने के लिए जगह बनती है या कोई कुछ दिखाने लायक चीज़ें हैं तो वो भी ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग अंदर का सारे चीज़ देख के बाहर वापस आ गए, और देख सकते हैं कि मेन गेट के बाद दोबारा, और इसके बाद हम चलेंगे देखेंगे और कुछ एक बेहतरीन लोकेशन में। तो यहाँ तक आज के लिए ब्लॉग यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग।